अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान यानी हम सबका पाकिस्तान। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर से, वो भी हमारा पाकिस्तान और स्मैशर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है कि क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले नाजरीन के ज़ौक व शौक के लिए ये इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। साद भाई मौजूद हैं और स्मैशर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तानी स्टार यहां खेलने आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या फील होगा आज स्मैशर में खेलने के बाद। साद भाई, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपका कि आप इन्हें इंटरव्यू कर रहे हैं और थैंक यू वेरी मच स्मैशर में जो नुमान भाई हैं उन्होंने मुझे बुलाया। मैं पहले भी आके खेलता था, इनका स्मैशर जो टाउनशिप में था ये इन्होंने नई ओपनिंग की है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया, बड़ा ज़बरदस्त एटमोसफियर है इधर और इधर मैं खेलता हूँ, इन्जॉय करता हूँ यहाँ पे आके। तो मेरा यही मैसेज है कि इधर आएँ, इधर आके डे नाइट क्रिकेट होती है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होती है, आप इन्जॉय करें और फैमिलीज आएँ यहाँ पे, इधर रेस्टोरेंट भी है साथ, आप खाना खाएँ और साथ क्रिकेट खेलें अपने बच्चों को साथ लेकर। इंग्लैंड से स्पेशल स्मैशर का विजिट करने आए हैं। हालिया सीरीज में अभी इन्होंने केपीएल की नुमाइंदगी की है, मुजफ्फराबाद टाइगर की जानिब से कुछ मैच खेले हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है स्मैशर में कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सपीरियंस ये मेरा पहला टेप बॉल का, ये जरा ग्राउंड है बहुत अच्छा बनता है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप आओ तो देखो। काशिफ अली भाई मौजूद हैं जिन्होंने रावला कोट की जानब से सेमीफाइनल में 100 किया था और वो भी शायद अफरीदी की टीम में। इनसे पूछते हैं कि ये क्या फीलिंग रखते हैं स्मैशर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी यंगस्टर के लिए फैसिलिटीज हो गई है, इससे हैंड आई करने बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी बैट स्पीड भी तेज़ हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। बताऊँ के तो ये बताएं कि आप इंग्लैंड में खेले हैं और पाकिस्तान में भी खेले हैं, क्या डिफरेंट देखते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स का और इंग्लैंड का? जो ये होता है कि लाइफ में आप जिंदा आते रहते हैं और अगर एक टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं कि आप गिव अप कर दो, हमें ये नहीं मिल रहा वो नहीं, जब अल्लाह ने देना होगा दे देगा। तो आप जी, तो नाज़रीन स्मैशर में आज हमारे साथ श्रीलंकन प्लेयर मौजूद हैं नीडो। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में इन्हें आना कैसा अच्छा लगा है और साथ साथ स्मैशर का एक्सपीरियंस क्या है। असल हाउ आर यू? Up your message convey for Pakistanis. Yeah, Jada Wadi, the Lord, the place, I'm passing by the good pass, the friend, the good enter. You speak Urdu? No. Why? No, I swear, I'm going to play. Country is good, Pakistan good. Smasher? Smasher is very good place. Amara Pakistan? Yeah, good. Thank you. ये तो नाज़रीन आपने श्रीलंकन प्लेयर की गुफ्तगू सुनी है कि वो पाकिस्तान में आने के बाद स्मैशर में आए हैं और उन्हें कितना अच्छा यहाँ फील हो रहा है और उन्हें अपना पैगाम भी दिया है कि ये अच्छी जगह है, यहाँ आकर खेलें, आप अपना अपने आप को एक्टिविटी में बिज़ी रखें ताकि आप मेंटली तौर पर फ्रेश रह सकें। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो फ़ोनों में रह रह कर जो है अपनी आंखों को भी खराब करते हैं, और बाकी एक बेहतरीन एक्टिविटी है, ये करनी चाहिए और ये सब प्लेयर्स के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। इधर आए, इधर खेलें, फैमिलीज के साथ आए, माशाल्लाह ये हमने साथ रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है, फैमिलीज बैठ के इंजॉय करें और यहाँ पे लड़के खेल सकते हैं, तो साथ ही माशाल्लाह बहुत बेहतरीन।